देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अगर हम ओकरा कुछ खिला देनी तो का गलत हो गई? पर आपन हाथ से ओकरा के चम्मच से खिलावे के का जरूरत रहे तो की? जौन मर्जी हो जाए, लेकिन मेहरा हाउस में कौनो भी लड़की ढोल बजा के पैसा कमाए ई ना हो सकेला। हम दोनों बैठ के सुख दुख के बातें करब। ध्यान से लला। तो हम तुहार टांगन के टुकड़ा टुकड़ा करके पानी में फेंक दे। हमके पानी में फेंके की आपके बस की बात नहीं बा साहब जी। काहे की हमार मौत कोनो राक्षस के हाथ नहीं हो सकेला। मल्हार और सिमोन एक दूसरा के एंगेजमेंट रिंग पहनाई है, ओकर बाद दो दोनों के शादी की तैयारी शुरू हो जाई। और ये आपके खातिर सूटी भी आगल बा शादी खातिर, देखी तो सही कौन सा पहने के बा आपकी में से। मम्मी जी इतना उहे सूट ना बा जो राजेश फूफा लेके आल रहे। हाँ हाँ ये है सूट बा, पर ये सूट तो हम शादी में ना पहन सके नी। शादी में का, हम तो बाहर आई जाए में भी सूट ना पहन सके नी। इता चला इतना तो समझदारी दिखाई ले, इस सूट से टैग हटा दे ले। दिमाग बहुत बाकरा में लेकिन हाँ, और आपके जीजा जी 1200-1300 से ज्यादा के ना होई सूट। और कारशी अगर तू के सूट लावे के ही रहे तो कम से कम अच्छा तो लेके आई तू ना, ऐसा सूट लावे की का जरूरत रहे। और साथ में तू अपन हस्बैंड के खर्चा भी करा दे लू, और ई खर्चा कैल ना कोनो काम नहीं की आई। आपके तो हर समय ही ऐसा हाल रहेला भाभी जी, जे आपके खातिर कुछ ले आई तो आपके पसंद नहीं खियावेला, और नहीं खे लेके आई तो आप लोग बात सुना सुना के हमने के शर्मिंदा कर देते हैं। ला का कह दे ऐसा छोटी भाभी, ये कहत रही कि अगर सूट लाए के रहे तो अच्छा लेके आई तू ना। कमो दीदी जितना हमारे औकात रहे उतना हम लेके आ गए हैं। अब आप लोग देखी जे आप लोग हमने के सूट के खातिर बैठे रहे तो गरीब के भाई हम या आप, बहुत आईली हमके सूट के खातिर बात सुनावे वाला। असल बात तो ई बा कि आप लोगन के ना कबो भी ना पेट ही नहीं भरेला बाना। मम्मी जी बस अब रो भी की कुछ बोले भी बोले की अब का रह गेलवा बेटी। वो आयल रहे के आयल रहे मम्मी जी हमके बताई तो सही। वो है लाला भूषण सेठ, अब भी तो हर बहन पे गंदा नजर डाल के बैठल बा। मम्मी जी ओकरा हमार पता बा, वो कुछ भी नहीं कही पिंकी के, हम ओकर आंख निकाल ले जो पिंकी के ऊपर बुरा नजर रखे था। बेटी हमरा के ओकर कर्जा देवे के बा, अगर हम लोग होकर कर्जा ना देनी ना वो अपनी पिंकी के, हे भगवान हम का करी, तू जल्दी से आ जा। मम्मी जी हम का करब वहाँ के, हम के तभी पैसा भी नहीं मिलल बा। उहे पैसा हम भूषण सेठ के मुंह पे मार के अपन घर बचावे के बा। मम्मी जी जे भी करे के बा जल्दी करे बेटी, पैसा लेके जल्दी से घर आ जा, नहीं तो भूषण सेठ हम लोगन के ही हमार घर से बाहर निकाल दे। बेटी बात खाली घर के होता तो कोनो बात ना रहे, वो तो घटिया इंसान पिंकी के लेके जाए के चाहता रहा। ओकर बाप के राजबा का ऐसे कैसे पिंकी के उठा के ले जाए, वो हाथ तो लगा के दिखाई पिंकी के जी हाथ ना तोड़ दी हम, फिर देखी आप। गीत बेटी हमारा तो दिल बैठल जा रहल बा, तू जल्दी से घर वापस आ जा। हाँ जी मम्मी जी हम आ जाए, आज रात के जगराता बा और कल शादी बा, फिर हमारा काम खत्म, हम पैसे लेके घर आ जाए। जे हमरा से पहले भूषण सेठ घर आयल तो ओकरा के याद दिला दी, जे वो कुछ गड़बड़ कैलस तो हम ओकर लाश तोड़ के मंदिर के बाहर फेंक दे, फिर मांगत रही भीखु सारा उमर। पर मम्मी जी आप फिकर मत करी, आप भी चुप करी और पिंकी के भी चुप कराए, चली अब चुप कराए। तहार जुबान को ज्यादा ना खुल गई ले अर्शी, तो क्या पता विवाह तो केकरा से बात करत बारू। हम के अच्छा तरह से पता बा दीदी कि हम बात केकरा साथ कर रहल बानी। एक तो दीदी भी कहत बाड़ू और बदतमीजी से सुनात भी जात बाड़ू। हम सुने नहीं आपके, बहुत बुरा लागल ना,
और जब आप लोग हर छोटा छोटा बात पे हम कितना बात सुना भी नहीं तब हम कितना शर्म आवेला कि आप हमार बड़की बहन है, हमार बड़की बहन और इतना बुरा नियत। बस करा बस, बहुत हो गई हर बकवास। अगर हम कुछ कहत ना बानी तक मतलब तो बोलत जेबू, जे मुंह में आई है वो बोलत जेबू। हम बक नहीं रहे दीदी, सच बोल रहल बानी और इस सच सुने में आप लोगन के कड़वा लग रहल बाना। तो के भी तो सच सुन के मिर्चा लागल बाना कि ना लागल बा, पर जे मर्जी करला सच ता एहे बा कि तहर औकात ना बा हमनी के बराबरी करे के और ना ही तो कहीं और से कर सकेलू। ओके, पैसा ना कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। अर्षी बीबी, अगर पास में चार पैसा ना हो ना तो केहू पूछे भी ना। ई बात जितना जल्दी समझ जेबू ना अच्छा रह बू। हमके जौन समझे के रहे हम समझ गए नी। समझे की जरूरत आप लोगन की बा कि जेब में चार पैसा होखत भी दोसर के पैसा देखे की जिकरा आदत होखेला ना वो कबो भी अमीर नहीं होखेला। और आप लोगन के तो आपन आदत पे शर्म नहीं आवेला ना। शर्म? तू शर्म की बात करत बाड़ू तू? और तोके शर्म ना आई जे तू मेहरा हाउस के लड़की होके के बावजूद भी एगो काम करे वाला लड़का से शादी कर ले लू? और अभी आप अपन हाथ से निकल रहे हैं दीदी। हम तो एकरा के सवेरे से चुप करावत आनी, ई बेवकूफ रोते जा रहल बा। आप हमकी बात कर रहे हैं ओकरा साथे? दी फोन ओकरा के ले पिंकी बेटी। हेलो दीदी, आप घर कब आए? ओ भूषण सेठ। बस पिंकी बस, और ना रो मत, भूषण सेठ तोहार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेला। तू बस रोए के बंद कर, अभी तोहार गी दीदी जिंदा बाड़ी। पर उता धमकी देके गइल बाड़ी दीदी। धमकी? तू ओकर धमकी से डर गइल बाड़ू? हमार शेरनी बहन एगो गिदड़ के धमकी से डर गयलू? शायद पिंकी तू भूल गयल बाड़ू जो ना वादा कल के आयल नहीं तोरा साथ। चल हम तुके फिर से याद करा देते हैं, हम बहुत जल्दी घर आए और अपन बहन के शादी एगो अच्छा लेका के साथ करब। ती परु भूषण सेठ? फिर भूषण सेठ काहे? तू ये सोचत बाड़ू ना पिंकी कि तुहार कोनो बड़का भाई ना बा जे तुहार शादी करी? पर तू फिकर मत करब, फिर की हो गई जे तुहार बड़का भाई ना बाप, तुहार बड़की बहन तो बाड़ी ना, तुहार बहन के उसे कम नेखे बाड़ी। हम सारा दुनिया के बता दे, हमू बेटा बन के दिखाए, कमाई करब और तुहार शादी करब। तू फिकर मत करा पिंकी, ये वादा बा हमार तोरा साथे। तो के यकीन बाना हमार वादा पे? हाँ दीदी, हमके आपके बात पे पूरा यकीन बा। बस चुप कर अब और मत रोआ, ये दुनिया बहुत गंदा बा पिंकी, ये वजह से तू आंसू मत बहावा। आंख निकाल के लोगन के डरावा सीखा, डरावे के सीखा हमार बहन। राजेश जी आप यहाँ? आपका बनी राजेश जी? बहुत टाइम हो गई हमरा यहाँ आयल, हम तो तब से यहाँ खड़ा बानी जब से तारा दोनों के बीच ये प्यार वाला बात होत रहे। ओहो आपके तो गुस्सा आ गए राजेश जी, हम तो ये कहत रहनी अगर आपके औकात ना बा इतना महंगा गिफ्ट लेवे के तो का जरूरत रहे अपन चादर के बाहर पैर पसार के इतना महंगा गिफ्ट लावे के। बस करें दीदी, आपकी बहुत पता बा कि कितना पहुँच बा हमारे घर वाला के, ऐसे हर बात पे उनका के छोटा दिखावे की कोशिश करत हैं। चल बस करा, तू भी बात के दिल पे लगा लेवे लू। डिब्बी ए डिब्बी, इन्हें हमार बात सुना। हाँ जी बुआ जी, आप हमके बुलाई नहीं का? जा जा के वो ढोली के बच्चे गीत ढोली के ब्लाक लावा। पर आपके का काम पड़ गए उकर साथे, का हो गए? तहर जुबान कुछ ज्यादा ना चलत बा, हमरा के चाहे जे भी काम हो जाके ब्लाक लावा। ठीक बा बुआ जी, गुस्सा काहे हो रहल है, हम अभी बुला के लावत है। ढोल तू बजावत आ रही या तोहर पिताजी? बेटा मम्मी जी ढोल हम ही बजावत है, पापा जी तो आराम करत है, हम उनका के ढोल हाथ नहीं लगावे के देते। तो तू ठीक से ढोल बजा ले बतारू ना, शादी वाले तो खुश बड़े ना। हाँ जी मम्मी जी, सब लोग खुश हैं, अब तो पापा जी भी हमारे ढोल बजावे से खुश हैं। ऐसा करी जब पापा जी घर आई है ना, आप खुद ही पूछ लिए उनकरा से, हम सुरजीत ढोली की बेटी हैं, पापा जी के नाम लेके डुबो सकत है ना, सब हमके गीत ढोली के नाम से बुलावे ले। सुरजीत ढोली की बेटी, गीत ढोली, जिनका ढोल ओकर पहचान। मम्मी जी शाबाश बेटी शाबाश, तू टीटू के और अपन बाबूजी के ख्याल रखिया, ठीक बा फिर बाद में बात करब। हाँ जी मम्मी जी, आप भी अपन और पिंकी का ख्याल रखी।
मिले की कहा हो गई। अरे यहाँ का करल बाड़ू, हम तो के ना कहाँ कहाँ नहीं की ढूंढ के आ गए। नहीं अब आपके कमो बुआ बुला रहा है, जाएं जल्दी जाएं। जी जाता ही। हाँ जल्दी जा। चली मम्मी जी, आप लोग इसे बात के छोड़ दीना, आज रात के जगराता बा और सिमोन भी आ रहा बाड़ी। मल्हार ब्रो और सिमोन के एंगेजमेंट भी बा। चली जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। कमो बुआ आप बुलानी हमके? हाँ हाँ आवा आवा। बताई का काम बा? काम था तो के बाना हाथ फैलाई के, हमार मतलब था आदत हो गई ना हाथ फैलाई के। अगर केहू कुछ दे दे तो ले लेवे की आदत है कि ना? और का एकर मन में तो बहुत लालच बा। देखनी ना मम्मी जी के पास से सारा सूट और महंगा महंगा गहना ठगले बाड़ी। आप हमके ये बात करे खातिर यहाँ बुलानी है? ना ना हमके कुछ जरूरी काम बा। एक मिनट इला रखा पकड़ा। हर तरह के गिफ्ट्स आवेले मेरा हाउस में, बड़े बड़े लोग महंगा महंगा गिफ्ट्स लेके आवेले, कुछ लोग ऐसे भी हो खेले जो सस्ता सा गिफ्ट्स लेके आवेले, जकरा के केहू रखे के ना रहे और तू रख ला। और आप चाहते हैं ये सस्ता सूट हम पहन ली? आप ऐसा काहे कर रहे हैं दीदी, आप ये सारा सूट इनकरा के काहे दे रहे हैं? तो की तब बताई नहीं ना कि हूँ ना पहनिए ये सारा सूट ही घर में। पर ये सारा सूट राजेश जी सब लोगन खातिर लेके आए हैं और आप ये सूट हमके दे रहे हैं। और का तू मम्मी के गहना और सूट भूल जा, तू ही रखा तहार ऊपर ता ये भी अच्छा लगे ना। राजेश जी रुकी, हमार बात तो सुनी। ओहो कहा हो गई, चल गए ले राजेश जी। ले जाए के ही रहे, रिटर्न गिफ्ट्स के आज टूट गए उनकर। वो जैसन भी है ना हमार सब कुछ है, आपके कोनो हक नहीं के बनला कि ऐसा करके आप उनकर बेइज्जती करी। अर्शी बुआ एक मिनट। हाँ का बात बा? आपके पता बा अर्शी बुआ, जब हम अपना आपके शीशा में देखत रहनी तब हम अपना आपके बहुत कोसत रहनी, हमके लागत रहे कि हमार बहुत बुरा हाल, पर आपके हाल देख के हमके लागत बा कि आपके हाल हमार से भी बुरा बा। हम तो ना यहाँ के हैं ना ही वहाँ के हैं, हम जाए भी तो हम कहाँ जाएं? आप सब लोग तो अपन जमाई की बेइज्जती करे में तो एक बार भी नहीं के सोचनी, पर अब गीत ढोली के एक बात ध्यान से सुन ली। जब हम अपन हक के कमाई लेके एक घर से जाइब ना तो हम बहुत सारा सूट खरीदब, तो वो सूट हम आप सब लोगन के देके जाए, वो सूट जोन आपके नाक के नीचे आ जाए, सिला के पहन ली। हाँ खराब सूट नहीं खे दे, महंगा सूट ला के दे आपके। एक गिट ढोली अब तहार इतना हिम्मत हो गई कि तुम मेरा हाउस के औरतन के सूट ला के देबू? कहे मेरा परिवार वाले दे सकेले कपड़े, उनका के और केहू नहीं के दे सकेला। वैसे आपके कौन सा मोती लगल बा? चार पैसा नहीं के बना उनका पास है, जिनकर आश्रय आप इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहल बानी। और साथ ही हम उड़त उड़त एगो बात सुन ले रहनी कि आपके वाला फूफा जी ई घर के घर जमाई है शायद, हम तो आज तक दिखले नहीं के आई। हमके तो और लोग बतेले हैं कि आपके वाला फूफा जी तू सुनाई बो हमके। रुक कहे गनी बुआ जी, थप्पड़ मारे खातिर हाथ उठेले रानी ना आप, एक बार मार के तो दिखाई। हम तो उसे हत्ता पाई करके ना तहर जितना नीचे ना गिर के चाहता नहीं। मत गिरी ऊंचा ही रही, हम तो कहता ही और ऊंचा रही। ये लिया अपन तोहफा।
हाय हाय कमो दीदी, गीत ढोली के तो आप ओकरा मुँह पे जूती मारे खातिर बोलेनी ना, पर वो तो आपके मुँह पे बेइज्जती करके चल गयी। आपके कालागत बा छोटी भाभी जी, कमो अपन बेइज्जती के इतना आसानी से सह ली ना भाभी जी ना। अभी जो गीत ढोली करके गई बाड़ी ना, ओकरा के घर से जाए का समय आ गई बा, समय। आप बस देखते जाए कमो करत का बाड़ी, शेर के मुंह में हाथ डाल के सूखे ना जा सकेले गिट ढोली। अब शेर के पंजा चली पंजा, मांस के बोटी बन के जायो गिट ढोली वापस। लाल जी। हाँ साहब जी। सारा तैयारी हो गई बा ना? हाँ साहब जी, सब तैयारी हो गई बा। अब फिकर ना करी, हम सब संभाल ले। संभाल तो तू सब कुछ ले बा। हम तोरा के खाली ई बतावे के चाहेनी कि कहीं माता रानी के स्टेज के चक्कर में फेरे वाला मंडप लगावे के ना भूल जी। नाना साहब जी, ऐसा कैसे हो सकेला? उनका खातिर तो हम ताजा फूल मंगवाइले बानी। आजकल बेटी के फेरा के मंडप के रंगत ता आप एक बार देख के ता आई। गुड, चलिए हम तनी उधर तैयारी देख लेता नी। ठीक है। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बिटिया, और सब ठीक बा बिटिया? हाँ जी अंकल। मल्हार से मिल लो के ना? ना अंकल, अभी ना, हम तो बस अभी अलबानी ना। ओ तू रुका, हम उकरा के यहीं बुलावत हैं। मल्हार, मल्हार कहाँ बड़ा तू? हाँ बाबूजी, आप बुलाइनी हमरा के? हाँ बिटुआ, हम तोरा के बुलाइनी है। देखा तोरा से मिले कौन आयल बिया? सिमोन। हेलो। हेलो मल्हार। अगर तू दोनों के बीच में हेलो हो गई होके तो हमार बात सुना। आज शाम के मेहरा हाउस में जगराता बा, तो ई जगराता शुरू होके से पहले हमनी सब ई भी कर ले जो हमनी सब चाहता नहीं। हमनी सब? बट का बाऊजी? पापा के बिटुआ, हम तोरा खातिर डायमंड के रिंग लेके आए रही, और सिमोन के मम्मी पापा भी डायमंड के रिंग लेके आ रहा है। तो आज शाम के जगराता शुरू होके से पहले पहले तू एक दूसरे के उंगली में रिंग पहना दिया। यू मीन आज? अरे हाँ भाई, आज ही। आज माता रानी के आशीर्वाद से तू दो लोगों के जिंदगी की शुरुआत हुई, और हम तो माता रानी से यह मन्नत मांगता नहीं कि तू दोनों हमेशा खुश रहा, आबाद रहा। तू जा सिमोन के पास खड़ा रहा। हम सिमोन के पास? अरे हाँ भैया, शर्मावे के कौन बात बा, तू खड़ा तो हो। वाह भाई वाह, तू दोनों तो बहुत अच्छा लागे ले। भगवान तोरा के बुरा नजर से बचाए के रखे। हे माता रानी, ये दोनों लोगन के हमेशा बुरी नजर से बचा के रखिया, इनकर हमेशा खुश रखिया। सिमोन बिटिया, हम तुझसे एक बात कहके चाहता नहीं, शादी खाली लड़का लड़की के बीच में ना होला, बल्कि दो परिवारन के मिलन होला, और तू दोनों के शादी के फैसला दोनों परिवार कर चुकल है। यह खातिर तू दोनों भी इस शादी के स्वीकार कर ला, यह खातिर तू दोनों एक दूसरे के अच्छा तरीका से जान ला। मल्हार बिटवा, सिमोन के भी तनी टाइम दिया करा। ठीक बा, हम चलत हैं। एगो बात और बिटवा, तू अब मेहरा परिवार के बहू बने जा रहा बाड़ू, तब मेहरा परिवार के औरत लोग नाचे गाए के शौक ना रखे ली, सिर्फ महंगा सूट और महंगा गहना रखे के शौक रखे नहीं, और अपन बच्चा लोग और परिवार के संभाल ले ली। ई नाचे गाए में अपन टाइम ना खराब करे ली, हमार ई बात के तू कबो ना भूलिया। हाँ जी अंकल जी, डांस और म्यूजिक की का बात बा अंकल जी? हम मल्हार से बहुत प्यार करेनी, और ओकरा खातिर सब कुछ छोड़ सकेनी। हमके पता बा सिमोन बिटिया, देखला मल्हार, हम यह खातिर एकरा के तोरा खातिर चुन ले हैं। तोरा इससे बढ़िया लेकी कबो ना मिल सकेली, समझ गयला बिटुआ? हमरा खातिर सबसे बढ़िया लेकी तब हम खुद चुन ले बानी बाबूजी। कहाँ खो गयला मल्हार, का सोचत बाड़ी? हम का सोचब? कुछ ना। एक बात कही मल्हार? ऑफ कोर्स, बोला सिमोन। कल तू वहाँ का करत रहे? वहाँ पर कहाँ पर? वहाँ
उ लड़की के साथ है, उकर साथ है, रोज पटल के साथ है। बोला ना मल्हार, का करत रहले? ढोल बजावल बंद करा। पर अभी हम ढोल बजावे के बंद नहीं कर सके नी। तू शायद सुन लो ना हम का कहनी। तू ढोल ना बजा सकेलू। सुनाई आपके में नहीं दे रहल बा दीदी जी। हम माता रानी के आगे ढोल बजा रहल हैं। और अगर हमारा ढोल बजावे के रुक गई तब माता रानी गुस्सा कर जाये। अरे ढोल तो नहीं रुकी अब। माता रानी जब गुस्सा हुई है तो हुई है, पर आज तो के हमार गुस्सा से क्यों न बचा सकेला। एक तो यहाँ पर ई नहीं पता चल रहा बा कि के ककरा ऊपर और कौन बात से गुस्सा बा। शायद ही घर के लोग ही ऐसा नहीं है। आप भी बता दी कौन बात से गुस्सा है हमरा से। ज्यादा भोली मत बनेगी, हमके सब पता बा। कल भी तो बिना जवाब देले चल गई रहलू। सीधा सीधा बतावा, वो रोज पटेल तहार बाल में कैसे आल रहे? रोज का गुलाब के पंखुड़ी कैसे आलता हर बाल में? देखा तो कल भी बिना जवाब के भाग गए रहे, पर आज हम तो के कहीं भागे ना दे। सीधा सीधा बतावा कहाँ से आयलो पंखुड़ी तहार बाल में? बस आप ये समझी कि माता रानी के आशीर्वाद मिलल रहे हम क्यों दिन। सीधा से बता दा गीत, ज्यादा भोली मत बना। सीधी तरह से आप भी सुन ली दीदी जी, हम आपके जवाब देवे खाते नहीं आए हैं। और वैसे भी हम आपका जवाब दे ही का है। आप कौन सा हमके ढोल बजावे के पैसा दे रहा है? मेहरा परिवार हमके पैसा देवे ले, जवाब भी हम उनकरा के ही दे। तो के शायद पता ना बा कि तू अभी मेहरा परिवार के बहू से बात करत बाड़ू। बहू ने खी दीदी जी, होखे वाला बहू। आप ई घर के बहू ने खी बना ली अभी। जब घर के बहू बन जाए फिर हमरा ऊपर गुस्सा कर सके नी। पर शायद आपके वो मौका ना मिले, कहे कि जब आप ई घर के बहू बन जाए ना हम अपन गांव पहुंच जाए। फिर आपके बात नहीं की बनी, यह करके आप अभी यहाँ से जाएं तो हमके ढोल बजाए दी। हाँ हाँ बजाला ढोल, हमके पता बा। तो ढोल यही खातिर बजात बाड़ू ना कि हम तो से खुश हो के तो के टिप दे सके। टिप के मतलब तो पता बना तो के ओ का कहल जाला। पता बा दीदी जी, मतलब भी पता बा। पर आपके शायद ये नहीं पता बा कि पैसा कहाँ उड़ावे के चाहिए कहाँ ना। What do you mean? हमार पैसा हमार जहाँ मर्जी उड़ाए। हाँ जी दीदी जी, आप तो अमीर लोग हैं ना, आपके तो आदत बा जब हमार ढोल के थाप पे खुश होके नहीं तब पैसा हमरा पे वार के हमार झोली में दे देवे नहीं। पर कभी आपने बड़का घर से बाहर निकल के देखे आपके कितना लोग मिल जाये जिनकरा के भगवान के मार पड़ल बा। पर आप ऐसा लोगन के काहे मदद करब? आपके काउ लोग ढोल बजा के खुश कैले हैं, वो तो रोटी खातिर पैसा मांगे ले। और आप अपन बहुत लोगन की कमाई पैसा की वो लोगन के पेट भरे खातिर नेखे लगाई। आपकी कौन सा इज्जत बढ़ जाए? आप तो बस हमार ढोल पे बख्शीश के ही उड़ाई है। हमके चाहे जरूरत होखे चाहे ना होखे, गीत अपन ज्ञान अपन पास ही रखा। आपके पता भी आपके साथ बात कर रहा है। अभी मेरा हाउस में आवे वाला कोनो आम गेस्ट नहीं बाड़ी सिमोन, मेरा परिवार की होखे वाला बहू बड़ी। और तू मेरा परिवार की होखे वाला बहू के ऐसा बात नहीं कर सकेली, ऐसा लड़ भी नहीं सकेलू। हम लड़ रहे बानी ना दीदी जी? हम नहीं लड़ रहे बानी, हम तो ढोल बजावत रानी। और जब हम ढोल बजावत है हमार ध्यान सिर्फ ढोल पे ही हो खेला। पर अभी तो हमके तोहार ध्यान भटकल लागत बा। बेहतर ये होई कि तू ढोल बजाए पर ध्यान दा, हाथ चला सबान मत चलावा। कुछ ज्यादा ही बोलत बाड़ू तू। हम बोले लग गए ले दीदी जी, पर हमार साथ बहस बाजी तो आप शुरू कर ले रानी। और फिर बंदा तो जवाब दी ही ना दीदी जी, बताएं तो फिर इल्जाम लगा रहा बाड़ू। अभी हम तो के समझा के अटल है सिमोन, हमने की होखी वाली भाभी है।
हम इल्जाम नहीं लगा रहे दीदी जी, अगर ना यकीन बा तो अपन भाभी जी से पूछ ली, ये लड़त रही हमारा साथ है। हाँ कहीं नहीं, हम लड़ाई शुरू और हम का करती, हम के पूछे के तरह है ना। सिमर तो का पूछत बाड़ेकरा से, ये है कि रोज पैटल एकरा बाल में कहां से आई। बोला बोला कोनो जवाब काहे नहीं खेदे तू। गीत आका ने कहानी बा, अब तू कुछ जवाब ही नहीं खेदे रहल बाड़ू। कौन सा रोज पेटल्स के बारे में बात करल बाड़ी सिमोन, अब तो तुके सब कुछ सच सच बतावे के ही पड़ी, और अगर हम ना बताएं फिर। गिन्नी बेटा तू सब एक ही मसला लेके बैठल बानी। आ देखी ना मौसा जी। हाँ हाँ हम सब कुछ सुन भी लेनी और देख भी लेनी, पर इस समय में देखल और सुनल ही जरूरी बा कि माता रानी के जागरण शुरू होवे वाला बा। शुभ मुहूर्त में किसी मसला में उलझल से बढ़िया बा कि हम सारा मिलके माता रानी के गुणगान करी। आप बिल्कुल सही कहत बानी फूफा जी। और सुना अंकल जी, बहुत हो गए माता रानी के भजन, अब बाकी शाम के होई। चल गिनी बेटा, अब तहार बारी, एक भजन तू भी गा दा माता रानी के चरण में। मौसा जी हम। हाँ हाँ तू गावा। लेकिन मौसा जी हम के निखिया वेला कोनो भजन। चला कोई बात ना, फिर कोनो गाना ही गा दा। सच्ची गा दी का ना गिन्नी, तो के तब पता ही बाना जैके अंकल के लड़के के घर में गाना बिल्कुल भी पसंद ना बा। एक खातिर ना तू और ना ही कोनो और लड़की गा सकेली। अगर ई बात बा फिर तो तहरा के गावे के चाही, काहे कि तू अभी तक मेहरा परिवार के मेंबर ना बनलू सिमोन। ना अंकल आई एम सॉरी, हम भी ना गा सकेनी कोनो गाना। हमरा समझ में नहीं क्या बता, तू सब लोग इतना डरा था काहे। साहब जी हम गाए कोनो गीत। हाँ हाँ तू तो फिर साथ में ढोल भी बजाइबा, हमरा के पता बा सब कुछ। हाँ जी हम ढोल भी बजाए।
ये सब का हो रहा बा? तू सब लोगों के अच्छी तरह से मालूम बना कि मेहरा हाउस में इतना नाचे गावे के इजाजत नहीं के और ना ही कोनो लड़की के ये सब करे के। लेकिन तोहरा के हम कोनो रूल याद ना कराएब। तोहरा तो हम खाली यह याद कराएब, अगर हम तोहार झोल फुड़वा सके नी तो हम तोहार टांग भी तोड़वा सके नी। बड़का साहब जी, आप तुम्हारे पापा जी की उम्र के हैं ना, बेटी वाला है, फिर भी हम के धमकी दे रहा है। जे हमार जगह आपकी बेटी हुई तो उखरा साथ भी आप ऐसे नहीं बात करती। पहला हमरा के ये बतावा, तुहार कह के का मतलब बा? तू एगो गीत ढोली बाड़ू तो मेहरा हाउस के लड़किन से अपन आपके मिलावे लू, और तोहरा में और मेहरा हाउस के लड़के लोगों में कौनो फर्क नहीं है तोहरा मुताबिक। तू अपन आपके कुछ ज्यादा ऊंचा समझे लू हा? हमके पता बा बड़का साहब जी, पर बेटी सबके ऐसा नहीं हो खेली, और बेटी वाला सब बेटी लोगन के एक ही बराबर समझे ले। समझत हुई है लेकिन हम ना समझे नहीं, और तोरा मालूम भी बा कि तू मुकाबला केकरा से कर रहा बाड़ू। हमारा खातिर हमार पिटिया कौन मायने रखेली पता बा तोरा के कुछ हो? जे भी होखे, पर एक बार, बस एक बार सारा दुनिया के बेटी लोगन की वो जगह पे बिठा के देखी, आपके मन के शांति मिल जाए, और आपके अच्छा पिता के रूप में देख के हमके भी खुशी हुई बड़का साहब जी। चली छोड़ी ना चाचा जी, काहे अपन बीपी बढ़ात बानी, आज हमने के घर में जगराता बाना ना पढ़ तो के कुछ ना पता बा। एक गीत ढोली को ज्यादा ही चलाक समझे ले अपने आप के, एकरा के ता एकर औकात दिखाए के ही पड़ी, अकल के दवाई के जरूरत बाई कर। चला छोड़ा सुमोन बेटा, तहरा का लेवे के भाई बात से, आप भी छोड़ी जेके भैया। अरे तू छोड़ा राजेश, अपन ध्यान रखा, मेहरा हाउस के जमाई बनल भी कोनो छोट बात नहीं के। इतना माता रानी के सामने नाचे गावे के मेहरा हाउस के जमाई के शोभा ना देवेला। पर माता रानी के गुणगान तो सब करत हुई है, पर तुहार ई जैसन माता रानी के सामने गुणगान करल हमरा के अच्छा ना लागल, आगे से ना हो तो ही अच्छा बा। पूरा एगो पीढ़ी के फासला बा, लेकिन शायद तोरा के सिमोन से सीखे के बहुत जरूरत बा ई मामला में। शाबाश सिमोन बिटिया, अब हमरा के मालूम हो गए मेरा परिवार के बिल्कुल सही बहु मिलल बाड़ी। सदा खुश रहा बिटिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंकल। तानिया तू समझत काहे नहीं खे, ये ठीक नहीं खे। तू ही काहे ना समझत बारे आकाश, हमके भी कोनो सही गलत समझे के जरूरत ना बा, हम जे करत बानी ना सही करत बानी ना। तानिया एक बार ठंडे दिमाग से सोचा था सही, अभी तक तहार फैमिली तहार घर पर पूजा करत हुई है। तका भाई जकरा के पूजा करे के बा पूजा करे, और वैसे भी हमके पाठ पूजा के कोनो खास शौक ना बा आकाश। इमें शौक वाली बात नहीं खे, तहार सिस्टर के मैरिज बा, तब मेहरा हाउस में जगराता इहे से हो रहल बा। शादी तक कल बाना आकाश, अटेंड कर ले भम। पर आज जगराता ही नहीं खे मेहरा हाउस में, तहार भाई के और तहार भाभी के रिंग सेरेमनी बा। हाँ ये ठीक बाना, हम उनकर भी शादी अटेंड कर ले, पर अभी अभी हम घर तक ना जाए। तू अभी भी उहे बात पर अड़ल बिया? उहे बात? हाँ ये बात, और ये पक्का बात बा कि हम कभी घर ना जाए के बा। पर काहे ना तानिया, घर काहे ना जाए के बा? तारा के घर जाए के चाहिए अभी। हम तो के कहनी ना आकाश,
हमके ना जाए के बा कहे कि ऊ घर में हमार केहू पे परवाह ना करेला। पर हमके एकरा से कुछ सीखी के जरूरत ना बा कहे कि ई हमार स्टैंडर्ड से मैच ना करेली। आपके मिडिल क्लास मेंटालिटी के सूट करेली ई गीत ढोली। He is my boyfriend and we love each other. क्या पूछी के बात हो रहे के? कौन से सवाल? ये है कि अवतार कृष्णा के बाप का बात बा जसलीन जी? कोनो परेशानी बा का? कुछ ना चेके साहब, बस ऐसे ही। एवं तो हर तबीयत तो ठीक बा? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक बानी। फिर यहाँ कहाँ बैठल बाड़ू? चला हमरा साथे। आप जाई, हम अभी आवत नहीं, बस दो मिनट दा हमरा के। का बात बा जसलीन जी? तू हमरा से कोनो बात तना छुपा रहल बाड़ू? कौन बात से परेशान बाड़ू? परेशान? वो बस तानिया के लेके, वो अभी तक ना आयल ना। अभी तक वो घर ना आई, कल रात से गई भी है, पूरा दिन निकल गई। तू फोन करके देख लू का ओकरा के? एक बार हम तो ओकरा के कई बार फोन कर नीजे के साहब, पर ओकरा तो अता पता ही नहीं के। वो तुहार फोन भी ना उठा रहल भैया। वाह, कितना प्यारा रिश्ता बा तुहार ओकरा बीच। परवाह काहे नहीं खितानिया, हमरा के पक्का पता बा तुहार पेरेंट्स बहुत परेशान हुई है, तो उनका के भी टेंशन हुई। तू कल रात से ही घर से बाहर बिया। तब फिर भी साथ ही ओ घर में हमार केहू के कोनो टेंशन ना बा, कोनो टेंशन ना बा। आकाश मॉम, मॉम तो हमसे प्यार ही ना करेली। वो अपन घर में बस एक ही लड़की से प्यार करेली, वो गीत से। गीत? जहाँ तक हमरा पता बा तहार घर पे तो गीत नाम के कोनो लड़की नहीं है। हाँ ना भारी केहू गीत, वो हमने के घर के ना बाड़ी, वो एगो बाहर से आई लड़की बाड़ी, एगो ढोली के लड़की गीत। तो के पता बा आकाश, मां वो गीत के सामने हमके कितना बार बेइज्जत कई लई। ओ भी ओकर सामने हम नफरत करत बानी ओ गीत से, और मॉम से बहुत 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 नफरत करत बानी। ना तानिया, ऐसे नहीं बोलल जाला। ऐसा तो हो ही ना सकेला कि मॉम तारा से प्यार ना करें। कई बार पेरेंट्स गुस्सा हो जाले, लेकिन एकर मतलब ई ना कि उतारा से नफरत करता नहीं। प्लीज आकाश, हम तहर हर बात मान सके नहीं, पर हम ये बात ना मान सके नहीं। और तू मॉम के साइड लेवल बंद कर दा, उनके हमार नजर में सही साबित करल बंद कर दा। लेकिन हम उनका साइड नहीं खेले रहल बानी तानिया। पर कुछ ना आकाश, तू प्लीज हमके यहाँ रहेगा जब तक वो गीत मेहरा हाउस में बाड़ी ना, हम घर ना जाए। और अब हम घर जागरण के बाद ही जाए। पर ये बात तो मम्मी के बता दे। आप तो ऐसे कहा था नहीं कि जैसे ए में हमारे गलती हुए। और का तोरा मालूम माना कि तानिया तोरा से गुस्सा होके के बाद यहाँ से गल बड़ी, और अब वो तोरा से फोन पे बात भी ना करेली। अच्छा, जैसे वो फोन करके अपन सारा खबर आपके दे देलस होए। हाँ, बताएल रहे हो हमरा के, दिहल रहे हो अपन सारा खबर हमरा के। ओकरा के आपके फोन आइल रहे, तो आप हमरा के बताब जरूरी भी ना समझ ली। आपके पता भी बा कि कितना परेशान बानी हम, सारा रात हम ना सुते नी, तब हम आप हमरा के बताब जरूरी ना समझ ली। हम तोरा के ना बताई नी, अब तो ये बात के छोड़ा और ये बतावा। जब तुहार नवा रिश्तेदार तोरा से आकर के ई पूछे कि तुहार बिटिया तानिया कहाँ भैया, का बताए तू उनकरा के? नए रिश्तेदार? हाँ हाँ, नए रिश्तेदार। वो अपन सारा रिश्तेदार के लेके यहाँ पे आ रहा है आज। चल और मल्हार के आशीर्वाद देवे खातिर, तो अगर जगराता में तानिया उन लोगन के ना मिलल तो तोरा से पूछी है, तब तू का जवाब देवा बतावा। आप तो ऐसे कहा था नी जैसे ई सवाल हमरा वजह से खड़ा भइल हुए, हम अकेले काहे सोची ई बारे में, आप भी सोची ना। काहे कि तानिया घर से गइल बिया तोहरा वजह से, ना तो ओकरा साथे ऐसन बिहेव करती और ना ही वो घर छोड़ के जाए। अच्छा, तो वो हमरा वजह से घर से गइल बाड़ी। आप यहाँ बानी भैया, हम आपके पूरा घर में खोजे तानी। हाँ, अब तो हम तोरा के मिल गई नी ना, बतावा कौन बात बा? बात का रही भैया, चला
मेहमान कभी भी यहाँ आ सकेले जगराता के सारा रसम करे के बाद। हाँ चलो थे। तान्या अभी तक घर नहीं खे आई।